अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना अब्दुल्ला शाहिद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला शाहिद पर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं आज के बाद अपनी सारी एक्टिविटीज़ सारी नहीं मतलब दिन में एक एक्टिविटीज़ आपके साथ लाजमी शेयर किया करूंगा वीडियो की सूरत में। तो आज मैं लाहौर आया था, वन एंड ओनली मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सीनियर्स हैं मुझसे, उनके साथ एक प्रोजेक्ट था तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। तो सबसे पहले उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। माशाल्लाह से हमारे जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शो हुआ था पाकिस्तान आइडल, तो उनके विनर भी हैं, तो बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई सीनियर उस्ताद वकास भाई, अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा भाई है जी, उस्ताद नहीं भाई है, नहीं नहीं बहुत अच्छा सर। आप खुद अच्छे हैं सर, तो इसने बड़े अच्छे व्लॉग्स मैं देख रहा हूँ, बड़े अच्छे बना रहा है। और माशाल्लाह अब्दुल्ला अभी मेरे स्टूडियो आया है, तो अब्दुल्ला एक बड़ा धांसू सा प्रोजेक्ट कर रहा है। थैंक यू। और आपके सुनने वाला प्रोजेक्ट अभी बस उस पर हमने म्यूज़िक स्टार्ट करने लगे हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा, मैंने यार अपने जितनी मेरी यूट्यूब की फ्रेंड्स एंड फैमिली है, हमारी ओबियसली गैदरिंग जो होती है, सारी फैमिली होती है, उनको मैंने शेयर करना है। तो एक बड़ा अच्छा सरप्राइज ला रहा है अब्दुल्ला आपके लिए। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपका प्यार है, बड़े सीनियर हैं मुझसे और अच्छा गाने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करें और कमाल के आर्टिस्ट हैं, आपको बड़ा अच्छा सुनने को मिलेगा। तो अभी एक और भाई है मेरे साथ, वो भी मेरे सीनियर ही हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। उनका प्रोजेक्ट उनसे पहले चल रहा था, अचानक से उनसे मुलाकात हो गई, मेरी खुश नसीबी समझे। वन एंड ओनली हमारे भाई उमर मलिक। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, मैंने माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई का भी गाना सुना है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा काम है। और मैं बल्कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही कहूँगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो लिसनर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो उनके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुन के इंसान बड़ी जल्दी कह देता है यार ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी शामिल होती है। मेहनत नहीं देखते कि आर्टिस्ट की मेहनत कितनी होती है। ये बात तो आर्टिस्ट की कोशिश को, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, क्योंकि जो आप लोग हैं ना वो ऑक्सीजन का काम करते हैं। आपकी अप्रिसिएशन से जो है ना हमें ये हिम्मत मिलती है कि हम अच्छे से अच्छा काम आप लोगों को प्रोवाइड करें और अपनी भरपूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच उमर भाई। अभी अभी एक और हमारे बड़े अच्छे जिन्होंने गाना लिखा है, ये आ रहे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, मतलब आप पूरी दुनिया में उनको सुन सकते हैं जहाँ जहाँ उर्दू इस्तेमाल होती है। तो अभी उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह अभी उनके साथ मुलाकात करते हैं तो फिर आप